दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की दोस्तों जो पहली खबर होगी वह मालदीव से निकलकर सामने आ रही है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड भी था। इस बार मालदीव के नए राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ कौन सा नया स्टेप उठाया है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर अंडमान एंड निकोबार से निकलकर सामने आ रही है, जिसको भारत मालदीव को एक बड़ा झटका देने के लिए डेवलप करने जा रहा है। और अगर अंडमान निकोबार में ये परियोजना भारत की सफल हो जाती है, तो मालदीव के पर्यटक जिनके दम पर मालदीव की इकोनॉमी चलती है, उसका बड़ा हिस्सा भारत लेकर जाएगा। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम कई बार अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी मालदीव में कोई नया राष्ट्रपति बनता है, तो उनका पहला दौरा भारतीय ही होता है। लेकिन अपनी इसी परंपरा को तोड़ते हुए मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने अपना पहला दौरा तुर्की का किया था। वहीं उस समय हमने आपको बताया था कि मालदीव अब भारत विरोधी देशों के पाले में जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, चीन जैसे देश शामिल है। वहीं पर अब इसका एक और पुख्ता सबूत हमारे सामने आ चुका है। दरअसल दोस्तों, आप स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जो कि आज का ही आर्टिकल है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एमिड सोरिंग टाइज विद इंडिया मालदीव प्रेसिडेंट लाइकली टू विजिट चाइना, यानी कि मोहम्मद माइजू अपना दूसरा दौरा करने के लिए चीन जा सकते हैं, इसकी पूरी पूरी आशंका जताई जा रही है। यह दौरा मालदीव के प्रेसिडेंट का काफी ज्यादा अहम होने वाला है, और इस पर भारतीयों की और भारत की भी काफी ज्यादा नजर होगी, क्योंकि मालदीव लगातार चीन के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है और चीन का इन्फ्लुएंस लगातार मालदीव में बढ़ता भी जा रहा है। जब से माइजू सत्ता में आए हैं, तब से ही ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि अब मालदीव पर चीन का दबदबा बढ़ जाएगा। ऐसे में ये खबर आना कि मालदीव के प्रेसिडेंट अपना दूसरा दौरा चीन का करने जा रहे हैं, इस चीज की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि चीन काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह लेकर मालदीव में आएगा और मालदीव को काफी सारे प्रपोजल वगैरह भी दे सकता है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि चीन की नजर मालदीव में अपना एक बंदरगाह बनाने की है, साथ ही मालदीव के किसी आइलैंड को भी अपने कब्जे में चाइना लेना चाहता है, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक नई मुसीबत साबित हो सकती है। अब दोस्तों, ये विजिट इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि इससे पहले मालदीव के जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, मालदीव की पॉलिसी रही है इंडिया फर्स्ट की, लेकिन ये पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे जो भारत से पहले चाइना का दौरा करेंगे। इससे पहले जो पिछली बार चाइना का दौरा हुआ था मालदीव की तरफ से, वह साल 2017 में हुआ था, यानी कि आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले। उस समय के प्रेसिडेंट यामीन ने यह दौरा किया था, लेकिन उस समय भी यामीन ने कहा था कि हमारी पॉलिसी इंडिया फर्स्ट की रहेगी, जबकि मौजूदा प्रेसिडेंट की पॉलिसी इंडिया आउट की है। बहरहाल दोस्तों, इस विजिट से क्या निकलकर सामने आता है, ये तो 2 हफ्ते में होने वाली इस विजिट के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल मालदीव को एक बड़ा झटका देने की तैयारी इस समय भारत कर रहा है। ये तैयारी अंडमान एंड निकोबार के जरिए की जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मालदीव में टूरिस्ट काफी ज्यादा आते हैं, उसके पीछे का जो मेन कारण है वह है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको डेवलप करने में भारत, चीन और वहाँ के जो पिछली सरकार के लीडर्स वगैरह थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मालदीव एक छोटा सा देश है, लेकिन मालदीव में कुल 18 एयरपोर्ट हैं, जिसमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहीं पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के अंडमान निकोबार में मात्र एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जिसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इससे साफ पता लगता है कि भारत की पिछली सरकारों ने अंडमान निकोबार को डेवलप करने में कितना योगदान दिया होगा। भारत ने अंडमान निकोबार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अंडमान एंड निकोबार दोनों को अगर कंबाइंड मिला दिया जाए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 572 आइलैंड है, जबकि मालदीव में कुल 300 आइलैंड है। हालांकि भारत के अंडमान निकोबार में काफी सारे आइलैंड पर जाना मना है, लेकिन फिर भी अगर भारत अंडमान निकोबार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता, तो काफी सारे लोग मालदीव की जगह भारत के इस इलाके में जाना पसंद करते। यही कारण है कि मौजूदा सरकार ने अंडमान निकोबार को मालदीव के तर्ज पर विकसित करने का प्लान बनाया है, जिसके तहत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, और इसमें 95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करंट गवर्नमेंट यहाँ पर करने वाली है, और 2024 में हमें यहाँ पर काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। वहीं पर ये चिंता बढ़ाने वाला है मालदीव की। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।